क्लास छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा क्लास छोड़ो सुनीति, और मैंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी। क्लास छोड़ो। तरुण, तरुण तुम जानते हो कि ये शराब तुम। मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये शराब मेरे लिए जहर नहीं, तुम मेरे लिए जहर हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी की जान ले ली तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम मिनी की जान लेकर मिनी की जगह लेने में कामयाब हो जाओगी? हाँ, ये लो तारुण। नहीं था। तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे शराब पीने से रोकने वाली? कोई नहीं, कोई नहीं मैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो उसकी बहन हो ना, इसे मार डालना चाहती हो तुम, इसे शराब पिलाना चाहती, जानती हो शीतल, इसका लिवर इतना खराब हो चुका है कि एक बूंद शराब की भी इसे मार डालेगी। तो मर जाने दो मुझे, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी जान की? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बेटी को फर्क पड़ता है। नहीं है वो मेरी बेटी, नहीं है वो मेरी बेटी, मैं उसके लिए नहीं जीना चाहता। उसने मेरी मिनी की जान ले ली, और तुम्हें तुम्हें सब पता था, तुम्हें पता था कि उसे जन्म देते वक्त मिनी मर जाएगी, फिर भी तुमने मिनी को मरने दिया ताकि तुम उसकी जगह ले लो। तरुण, यही साजिश थी ना तुम्हारी, तभी मिनी के मरते ही तुम यहाँ चली आई रहने, ताकि तुम मेरी पत्नी बन सको, मिनी की जगह ले सको। बेशरम औरत, पैसों के लिए किया ना तूने ये सब, अमीर बनना चाहती थी ना, अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मगर मेरी मिनी को नहीं मारती, नहीं मारती मेरी मिनी को। तरुण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत रो, यहाँ खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा भांडा फूट चुका है सुनीति वर्मा। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर एक बार फिर से तुम्हें जेल भिजवाऊं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, इस घर से, मेरे भाई की जिंदगी से, चली जाओ, चली जाओ सुनीति, चली जाओ। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये शराब मेरे लिए जहर नहीं, तुम मेरे लिए जहर हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी की जान ले ली तुमने। खुशी को तुम थोड़ा प्यार दोगी ना? हाँ, वादा करो मुझसे। हाँ, वादा कर रही हूँ, वैसे मांगा प्यार। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा बेटा मर रहा है। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को बचा लो, बेटे मेरे बेटे को बचा लो। तुम्हें पता था कि उसे जन्म देते वक्त मिनी मर जाएगी, फिर भी तुमने मिनी को मरने दिया ताकि तुम उसकी जगह ले लो। दीपक, क्या बात है दीपक, आप जब से वहां से आए हैं चुपचाप बैठे हैं, कुछ कहा ही नहीं, वहां क्या हुआ? क्या कहूं सु, क्या कहूं, सुनीति के बारे में सोचता हूं तो वो अपनी जगह सही,
वो मिनी से किया हुआ अपना वादा निभा रहे। जीने की चाह तो उसके अंदर इस कदर मर गई है कि वो कहती है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसकी शादी तरुण से हो किसी और से हो या फिर हो ही ना। और रोहिणी जी जो सोच रही है सही सोच रही है। एक मां अपने बेटे के बारे में ही तो सोचेगी ना। हाँ सो तो है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत सोच? नहीं दीपक, किसने कहा कि आप गलत सोच रहे? आप जो सोच रहे वो भी सही है कि सुनीति की शादी हो जाए और वो एक नया जीवन शुरू करके अपना पिछला जीवन भूल जाए। वो नहीं भूलेगी सुन, वो नहीं भूलेगी। दीपक, दीपक, आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या मनवाना चाहती हो? ये कि मैं सुनीति और तरुण की शादी के लिए हाँ कर दूँ, लेकिन सुनीति ये भी तो नहीं चाहती। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे दीपक, इस वक्त आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी बात एक मोड़ पर आकर रुक गई है, जहाँ सुनीति अकेली खड़ी है, क्योंकि उसे ये फैसला करना है कि उसे कौन सी राह अपनानी है। और सुनीति पर भरोसा कीजिए, वो जो भी फैसला लेगी सही होगा। इसने तो गीला कर दिया। सुनीति, सुनीति, क्या हुआ माँ? सुनीति, उसे मत पुकारिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब नहीं मिलेगा? क्या मतलब तुम्हारा? माँ, जवाब वो लोग देते हैं जो सुन सकते हैं, और सुनीति कुछ नहीं सुन सकती। क्यों? क्यों नहीं सुन सकती? क्योंकि वो चली गई है। जा चुके हैं? कहाँ? वो मैं नहीं जानती माँ, कि ऐसी लड़कियां रातों रात उठ के कहाँ चली जाती है। शीतल, क्यों? उसे तो कहीं भी रातें गुजारने की आदत है। अब है कि यहाँ भी तो वो रातें गुजार चुकी है ना माँ। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। गंदे लोगों के बारे में सोचो ना माँ, तो सोच भी गंदी हो जाती है। जानती हूँ मैं, तभी तो तुम हर वक्त अपने बारे में ही सोचती हो। तो मैं गंदी हूँ और वो बहुत अच्छी है, जो अपनी बहन के पति पर ही डोरे डाल रही है। चुप हो जाओ शीतल। क्यों माँ? मैंने देखा है कल रात उसका जीजा आया था, उसकी बाहों में वो डोल रही थी माँ, और अचानक शीतल। मैं मिनी के बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकती, मैं उसके बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। चुप हो जा सुनीति। सुनीति, आपके साथ लौट आना चाहिए था, मुझे वहां कहीं रुकना चाहिए था। कोई बात नहीं सुनीति, कोई बात नहीं, अब तो तुम लौट आई हो अपने घर। सुनीति, लेकिन तो इस तरह अचानक क्यों आ गई?
अचानक क्या? ये इसका अपना घर है, कभी भी आ सकती है। सुनीति, तुझसे तरुण या सीता ने कुछ कहा? अरुण को लगता है कि मैंने मिनी को मार डाला। क्या? हाँ दीदी, तरुण कहता है कि मैंने मिनी को मार डाला। हाँ, ताकि मैं मिनी की जगह ले सकूं। ये क्या बकवास? इतना बड़ा इल्जाम लगा जिसे शर्म नहीं आई? कितना कुछ करिए तो उसके लिए, उसके बच्चे के लिए, और वो समझता है तू ये सब मिनी की जगह लेने के लिए कर रही है? नीच, नीच है वो, उसकी सोच भी नीच। मैं जानता था, मुझे मालूम था कि वो इस लायक ही नहीं कि तुम्हारी शादी उसके साथ की जाए। होगी तसल्ली तुम्हें? अपनी बहन की बेइज्जती करवा दी? देख लिया नतीजा अपनी ना समझेगा? बहुत चाहती ना तुम्हें कि सुनीति की शादी तरुण के साथ हो जाए? बहुत दलीलें थी ना तुम्हारे पास कि सुनीति को और कोई मिल ही नहीं सकता? दीपक, क्यों चली गई वो इस तरह तुम्हें छोड़कर? मेरा ख्याल नहीं, ना सही, उसे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया। माँ है ना वो तुम्हारी, गलती मेरी है। मुझे उसे सिर्फ तुम्हारी माँ ही रहने देना चाहिए था, उसे अपनी बहू बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं कहना चाहिए था उससे बार बार कि वो तरुण से शादी कर ले, मिनी की जगह ले ले। वो तो साफ साफ कह चुकी थी मुझसे कि वो शादी नहीं करना चाहती, ना तरुण से ना किसी और से। फिर भी मैंने उसे खो दिया, अलग कर दिया तुम्हारी माँ को तुमसे। अब वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। उसका इस तरह चले जाने का मतलब ही यही है कि वो इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहती। तू हमें गलत समझ रही है। मेरा यकीन मान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तेरी शादी कहीं हो ही नहीं सकती। सुनीति, मैं और तेरी जीजू सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं दीदी? सच्ची तो कहा,
कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे साथ जो कुछ भी हो उसके बाद कौन अपनाएगा मुझे? नहीं दीदी, दुख इस बात का है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे अपनाए, कि कोई मुझसे शादी करे। और फिर भी मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। जिस किसी के जी में आता है वो मेरे बारे में सोच लेता है। वहां तरुण मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है कि मैं मिनी की जगह लेना चाहती थी और मैंने मिनी को मार डाला। और आप यहां, आप मुझ पर तरस खाकर मेरी शादी उसी से करना चाहती, क्योंकि आपको लगता है कि कोई भला आदमी, कोई इज्जतदार आदमी मुझे नहीं अपनाएगा, मुझसे शादी नहीं करेगा। आपके और तरुण की सोच में क्या फर्क है दीदी? आप दोनों ही समझते हैं कि मैं एक कलंक हूं। नहीं सुनी। हाँ दीदी, मैं एक कलंक हूं। मैं कलंक नहीं हूं दीदी। हाँ दीदी, खत्म हो गई सारी बात मेरी एक ही चाल से। चली गई सुनीति वर्मा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। दूर हो गई वो मेरी जिंदगी से, अभय से। माँ को बड़ा शौक चढ़ा था ना उसे इस घर की बहू बनाने का, इसलिए तो मैंने उसके कैरेक्टर पे ही कीचड़ उछाल दी। क्या माँ ने मेरी बात का यकीन कर लिया? नहीं, इसलिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। कहीं ऐसा ना हो कि माँ उसके घर जाके उसे फिर से मना ले और उसे दोबारा इस घर में ले आए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। माँ से पहले मुझे उसके वहां जाकर Once and for all, सुनीति को बताना होगा कि वो मुझसे दोबारा टक्कर ना ले, वरना वो ऐसे गिरेगी कि दोबारा कभी उठ नहीं सकेगी, कभी नहीं।